नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। रुक कर लेते खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन क्रांति रथ यात्रा पहुंची थी। वहां उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके शासनकाल में हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय में निवेश में नंबर वन था, वही हरियाणा आज गैंगरेप में नंबर वन हो गया है। हुड्डा बोले, पहली कलम से बुजुर्गों की पेंशन 3,000 और कर्मचारियों को पंजाब से बेहतर वेतनमान दिया जाता था। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ होगा, उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और लागत पर 50% मुनाफा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार के राज में सब वर्गों में हाहाकार मचा है। किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। बढ़ते आगे, हरियाणा के पूर्व योजना बोर्ड उपाध्यक्ष और नारनौल के पूर्व विधायक पंडित कैलाश चंद शर्मा की आज तीसरी पुण्यतिथि नारनौल के पुल बाजार स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में मनाई गई। बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय राज्य सड़क और परिवहन मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पंडित कैलाश चंद शर्मा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें कभी न भूलने वाला नेता बताया और साथ ही कहा कि पंडित जी को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके लिए नारनौल शहर में किसी सड़क का नामकरण रखने के लिए हरियाणा सरकार से वो सिफारिश जरूर करेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधायक रहे, चेयरमैन रहे, पार्टी के अनेकों वर्षों तक महामंत्री रहे, ऐसे स्वर्गीय पंडित कैलाश चंद शर्मा जी की आज तृतीय पुण्यतिथि का आयोजन यहाँ नारनौल में हो रहा है। उनके तीनों पुत्र लोकेश जी, राकेश जी सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, संगठन के सब लोग यहाँ पर हैं। आज उनको याद करने का दिन है और कैलाश जी जैसी शख्सियत जिन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनाई, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में राज में आई है, तो उसमें ऐसे लोगों की, कैलाश जी जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है जिन्होंने हरियाणा में संगठन को जिंदा किया, खड़ा किया और वो हमारे लिए प्रेरणा का सूत्र है। आज का दिन उन्हें सिर्फ याद करने का नहीं, उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया है, मुझ जैसे लोगों को तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। तो कैलाश जी के जो काम हैं, जो उनके सपने थे, उन सपनों को साकार करने की जिम्मेवारी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है और आज ये संकल्प का दिन है कि जो रास्ता कैलाश जी ने हमें राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का जो सिखाया था, हम सब उस रास्ते पर आगे बढ़ें, देश और समाज को मजबूत करें, यही उनको मैं याद में रखा। जो रेवाड़ी में हमारी किसी बिटिया के साथ जो ये कांड हुआ है, बहुत शर्मनाक कांड है और इससे बुरा काम कोई हो नहीं सकता, इससे घिनौनी हरकत कोई हो नहीं सकती और इसमें सरकार ने भी बहुत तेज़ी से कार्रवाई की है और अभी एक जो मुजरिम है वो पकड़ा गया है, दो भी पकड़े जाने हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे और ऐसे लोगों को देखिए सख्त से सख्त सजा मिले ये हरियाणा सरकार पूरी तत्परता से करेगी और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों इसकी कोशिश में हम लगे। बल्लभगढ़ में गैंगरेप मामले के बाद एक और नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। जी हां, चार दिन तक रेप करने के बाद बच्ची को आरोपी युवक की मां ने पड़ोसी के घर पहुंचाया। पड़ोसी की दो महिलाओं ने वेश्यावृत्ति के धंधे के लिए पहले अपहरण किया था। नाबालिग बच्ची के परिजनों ने महिला थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी और साथ ही पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने भी मामले पर कुछ नहीं बोले। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का पुलिस पर आरोप है कि दो महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद उनको रात को ही छोड़ दिया गया। 15 साल 16 साल की है। कौन ले गया था बहका के? वो ले गए थे। कौन थे? देखा नहीं था मैंने उनका चेहरा। अभी आप बता रहे थे कोई महिला है पड़ोस में? हाँ, वो नीलम है और उसकी मम्मी थी। उन्होंने बहकाया था आपकी बेटी? किसको बहका के किसके पास भेज दिया था? तो अब उनके घर पे ही रही थी वो। अच्छा, ये बता रहे हैं कि किडनैप भी करके रखा था? हाँ रखा था। कितने दिन? 4-5 दिन। तो आपको पता नहीं चला इसका? मुझे नहीं पता चला इस बात। अब कैसे पता चला, बेटी कैसे आपको मिली है? ये मुझे जब मिली, जब पता चला था, जब मिली थी मुझे। गीता और लवली नाम की औरत है और उनकी बेटी है। उन्होंने 3-4 दिन तक अपने घर में मुझे रखा, डराया, धमकाया, मारपीट की और यही नहीं, उसके 3-4 दिन बाद ही, जब 4 दिन हो गए, उसके बाद इन्होंने मुझे अरमान नाम के
लड़के के साथ मुझे भेज दिया शारीरिक संबंध बनाने के लिए जी। जैसे हम जा रहे थे तो उसने स्कूटी एकदम तेज भगा दी थी, तो मैंने उसे जब कहा कि मंदी कर ले तो उसने मेरी सुनी नहीं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। स्कूटी स्लिप हो गई, मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई, उसके भी चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद इसने मुझे देखा कि मेरी हालत सीरियस है, पर तब भी उसकी हवस नहीं बुझी। तब भी वो मुझे बीके ले गया, बीके ले जाके उसने मुझे कोई इलाज करवाया, उल्टा सीधा MRI कटी, लेकिन वो उसे छोड़ के भाग आया। भाग के उसने मुझे घर पे लेके आया। घर पे आने के बाद क्या हुआ? घर पे आने के बाद उसने मुझे कुछ पिलाया था और उसमें प्रोटीन पिलाई थी, उसने कुछ मिला के मुझे पिलाया, उसके बाद मेरे साथ गंदे काम किए। बढ़ते आगे, महेंद्रगढ़ जिले में बढ़ते अपराध को लेकर अब विपक्ष भी सत्तारूढ़ दल पर अव्यवस्था और लापरवाही के आरोप लगाने लगा है। बुधवार को अटेली मंडी के पूर्व विधायक नरेश यादव ने नारनौल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूदा बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सरकार विफल रहने का आरोप लगाया। नरेश यादव ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। हाल ही में रेवाड़ी की एक बेटी के साथ कनीना में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूरे देश को हिलाकर रख ही दिया है, साथ ही पुलिस प्रशासन की पोल भी खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना घट जाती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस अपराधों के प्रति कितनी सजग है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों पर अंकुश नहीं लगने के कारण अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, जो कनीना में जो हुआ रेप पीड़िता के साथ, समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती दो बार कनीना में वो लोग आए, उसको उठा कर ले गए, फिर वहीं छोड़ के गए, फिर उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। इतनी लापरवाही जो हमारे यहाँ के अधिकारियों ने या जो यहाँ वहाँ के कर्मचारियों ने बरती, अगर समय रहते रेवाड़ी की पुलिस, यहाँ की पुलिस अगर इसको संभाल लेती तो इतनी बुरी हालत उसकी नहीं होती। शारीरिक तौर से भी उसकी हालत अभी भी खतरे में है। इसलिए इस तरह के मामले में जो भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जिले के अंदर इतनी चोरी डकैती हो रही है, सरेआम कल अटेली मंडी के अंदर दिन के 2 बजे ताला तोड़ करके एक परिवार का सारा सामान लूट कर ले गए, नकदी भी ले गए, सोना चांदी भी ले गए। हरियाणा की जो शर्मसारी हुई है इस कनीना रेप कांड से, इससे सारे 2-3 जिलों की पोल खोल दी है। चाहे वो डकैती का मामला हो, चोरी का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, हमारी पुलिस तंत्र सरकार पूरी तरह से विफल है। आज कनीना बार एसोसिएशन ने बैठक करते हुए रेवाड़ी गैंगरेप मामले में फैसला लिया। फैसला लेते हुए इस मामले में आरोपियों की तरफ से हमारी बार से कोई वकील पेश नहीं होगा, ना ही कोई पैरवी की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह समाज के खिलाफ क्राइम है, इस तरह के कुकृत्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आज हमारी बार एसोसिएशन जो है आवश्यक मीटिंग बुलाएगी और मीटिंग में बार के सभी सदस्यों ने ये सामूहिक फैसला लिया गया कि जो ये घटना घटी, इस घटना में आरोपियों की तरफ से कोई भी वकील बार एसोसिएशन करना की तरफ से पेश नहीं होगा और वकीलों ने मांग की है कि भी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घटना हुई है, बड़ी गलत हुई है, इसने पूरे इलाके को शर्मसार किया है। ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए सभी वकीलों ने जो फैसला लिया है कि भाई कोई अपराधियों की तरफ से पेश नहीं होगा और इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है और सहमति से ये फैसला हो गया है। मामले जो हैं क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी है और ये मामले इतने शर्मसार हैं कि इससे घिनौना अपराध शायद समाज में कोई हो नहीं सकता। इसलिए बुद्धिजीवी होने की वजह से हम अपने इलाके की तरफ से बार एसोसिएशन ने मीटिंग करके इस बारे में निंदा की गई है और इस बात के लिए मांग रखी गई है कि इस घिनौने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई भी अधिवक्ता लोकल बार एसोसिएशन कनीना की तरफ से उनकी पैरवी के लिए ना अपीयर होगा और ना पैरवी करेगा। फतेहाबाद के भट्टू कला क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला थाने में एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी को कई दिनों तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फतेहाबाद महिला थाना में आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो सहित आईपीसी की धारा 344 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं युवती को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस उसकी मेडिकल जांच और 161 के तहत बयान करवाने की कार्रवाई के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाका थाना बट्टू में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ एक लड़की साथ रेप किया गया है। जो शिकायत है, जो पीड़िता लड़की है, उसकी जो मदर है उसकी तरफ से प्राप्त हुई थी और इसमें जो चार पॉक्सो एक्ट और 344 कम केस दर्ज कर लिया गया है। मैं जो आरोप लगाए गए हैं, तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धर्मेंद्र है और धर्मेंद्र की जो मदर है विद्या है, रेलवे स्टेशन के रहने वाले हैं और एक अन्य है रविंद्र नाम का, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है। तफ्तीश जो है महिला पुलिस स्टेशन हैंड ओवर की गई जहाँ पर इंस्पेक्टर अपना झज्जर के बेरी मेन बाजार में स्थित एसबीआई बैंक में चोरों ने खिड़की तोड़ी और उसमें घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। पुलिस में मैनेजर की तरफ से दी गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि चोरों ने बैंक के अंदर घुसकर सारा रिकॉर्ड भी खंगाला और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की पिन भी निकाल दी ताकि उनकी पहचान न हो सके। बता दें कि बेरी के मेन बाजार में एसबीआई बैंक की शाखा है। इसी बैंक में बीती रात चोरों ने पहले तो बैंक की छत में लगी जालियों को तोड़कर बैंक में प्रवेश किया और बाद में बैंक के कमरे में लगी खिड़की को उखाड़कर अंदर दाखिल हुए। हालांकि चोर यहां से किसी भी प्रकार से कोई कैश चुरा कर नहीं ले जा सके। बैंक में हुई चोरी के असफल प्रयास की जानकारी बैंक मैनेजर अरुण को लगी। उसके बाद ही बैंक मैनेजर अरुण कुमार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। शाम को 6 से 6:15 के बीच में ब्रांच को पूर्णतः चेक करके सभी तरह से ताला चेक करके वॉल्ट को बाहर से सभी चेक करके हम स्टाफ के साथ ब्रांच को पूर्णतः सुरक्षित बंद करके घर चले गए। सुबह में जब ब्रांच आ रहा था तो मुझे बैंक का गार्ड राजवीर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि ब्रांच को बाहर से तोड़ा गया है, जो भीड़ के माध्यम से अंदर सभी सामान बिखरा हुआ है। मैंने मीन टाइम उन्हें कॉल किया गार्ड को कि आप कौन नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कराओ, आप ये नियर बाई जो चौकी है बेरी चौकी उसमें जाके इन्फॉर्मेशन। वॉल्ट को भी तोड़ने की कोशिश की गई, सीन मारी की गई, फिर जो ब्रांच मैनेजर केविन है उसका अरमीरा वगैरह सभी अरमीरे को तोड़ने की कोशिश की। अभी तक प्राइमरी कैश का तो नहीं है, कैश का कोई नुकसान नहीं है, बट और भी जो नुकसान है तो चेक कर रजिस्टर फाइल या डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा वो चेक करके ही कल ठीक ठाक बंद करके गए थे। कितने बजे बंद? 6 बजे। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेरी मेन ब्रांच है, इंचार्ज का फोन आता देखने का, उसमें छत पे से जो टेम्परेरी ईट टेम्परेरी फॉट लगे और नीचे जंगला था, कोई पुराना जंगला था, उसकी तरी को उखाड़ गए और वो अंदर घुस गए। उसमें कैमरा चल रहा है, कैमरे की देखी उसकी रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा उसमें स्ट्रॉन्ग रूम है जो उसकी दीवार तोड़ने की कोशिश की है, जिसमें वो नाकाम रहा। इसमें जो अटैम्प्ट था लेकिन उसका अटैम्प्ट फेल रहा है। इसमें छानबीन चल रही है, टेम्परेचर रेगुलेशन टीम आ रही है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए हैं और कार्रवाई हो रही है। और जो होटल में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक नामी मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं होटल थाना प्रभारी करमबीर खटाना ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है क्योंकि आरोपी से काफी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है और इससे काफी मोटरसाइकिल भी बरामद की जा चुकी है। ये मेवात के रहने वाले हैं। इससे एक मोटरसाइकिल अभी बरामद हुई है और अभी पूछताछ जारी है। इसने 3-4 वारदातों के बारे में कबूल किया है, लेकिन अभी स्पष्ट हुआ है, पूछताछ होने के बाद, गहनता से पूछताछ के बाद ही बताया जाएगा। शायद काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी की से बरामद हुई। पर्चा दर्ज हुआ था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, मुखबर के द्वारा सूचना मिलने पर इसको काबू किया।
बढ़ते आगे रोहतक जिले के गांव टिटोली में बकरीद के दिन यामिन नामक युवक के जरिए गाय को डंडा मारने के बाद हुई मौत को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 18 सितंबर को गांव के स्कूल में इस मामले में पंचायत हुई। पुलिस की मौजूदगी में इस पंचायत में 5 धोबियों को लेकर सख्त फैसले लिए गए, जहां यामिन नाम के शख्स का गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और कोई भी मुस्लिम नाम नहीं रख सकता, साथ ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रहना होगा। इसके अलावा कब्रिस्तान की मौजूदा जमीन के बदले दूसरी जमीन गांव से दूर दी जाएगी। गाय की मौत मामले में पुलिस ने यामिन सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मुस्लिम समुदाय के प्रधान ने बताया कि पंचायत में फैसला लिया गया जिसने गाय की हत्या के वह गाँव में नहीं आएगा। कब्रिस्तान की जमीन हमें दूसरी जगह जमीन दी जाएगी, दाढ़ी और टोपी को लेकर फैसला लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी दाढ़ी नहीं रखता और मुस्लिम समाज के लिए दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। दिनांक 22/8/2018 को हमारे एक परिवार के बच्चे से गैर इरादा था, एक बच्चिया मर गई थी, उसका कोई मरने का अपना वो नहीं था, इरादा नहीं था, वो उसके बच्चे के उसको टक्कर मार रही थी, उसने गुस्से में उसको लाठी मार दी। वो लाठी, बच्ची छोटी उम्र की थी, वो लाठी ज़्यादा उसे शरीर पर लगी, उसकी चोट सह नहीं कर पाई और वो उसको एट द स्पॉट गुजर गई। इस बारे में हमारी आगे पहले भी पंचायत का दिन रहता, हमारे भतीजे की मौत होने के कारण वो कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद हमने कल मंगलवार को हमने अपने समाज की तरफ से पंचायत रखी थी ताकि गाँव का विवाद ख़त्म हो जाए। गांव के लोग, मौजूद लोग पंचायत में इकट्ठे हुए और फैसला लिया गया कि भाई ये लड़का गांव में नहीं आएगा और सारा परिवार और बाकी कोई कहीं रहो, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। पर जमीन का भी एक मामला, जमीन का मामला यही है कि कब्रिस्तान की जमीन थी वो हमारी बस्ती के बीच में आ गई है, उसमें ज़्यादा चारों तरफ से मकान बन गए हैं। हम पहले भी पंचायत से या दूसरे प्राइवेट आदमी से जमीन का तबादला करने के इच्छुक है, लेकिन अभी ये साथ ही साथ में इस मुद्दे पर भी विचार किया गया। इस मुद्दे के ऊपर पंचायत ने फैसला ले लिया, भाई जो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये तो पंचायत का हैंड ओवर हो जाएगी और पंचायत इसके बदले पंचायती ज़मीन से कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार है। पंचायत धोबी समाज के द्वारा पंचायत बुलाई गई थी, पंचायत और किसी गांव ने पंचायत नहीं बुलाई थी। धोबी समाज ने पंचायत इसलिए बुलाई थी, जो गौ मरने वाला जो व्यक्ति है उसका परिवार बाहर रह रहा था उस दिन से, और उन बच्चों के बारे में सोचते हुए पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत ने ये फैसला ले लिया कि वो बच्चे गांव में रहेंगे, पूरा भाईचारा रहेगा उनके साथ, कोई भी उन पर नाराजगी नहीं है उन बच्चों से। जो जिसने गौ मारी थी उसके खिलाफ कानून जो अपनी कार्रवाई करेगा उसका गाँव संतुष्ट है। 4 फैसले हुए थे, ठीक है, उन जो जिसने जुलम कर रखा है, जो गौ मारी थी 22 तारीख ने, उसका अगवाई उसको जेल हो रही है, उसकी कोई जमानत करवा होगा, कोई जमानत करता पाएगा तो उसको पकड़ा जाएगा, फिर वो गांव में नहीं होगा पूरी जिंदगी भर। पूरी जिंदगी भर इतने संस्था अपना गांव रहा होगा इतने। अच्छा, दूसरी बात, एक कब्रिस्तान था यूं ती हम दे दें धान कटेंगे इतने आगे धान कटने हैं और फिर एक किला उड़े, एक किला उनते दिया जाएगा, आड़ गऊ माता की बनाई जाएगी, मूर्त लगवावांगे, इतनी जमीन उड़े इतनी आड़ है। अच्छा, उनने फिर मुसलमान थे, उनने 11,000 रुपये गऊशाला में दे दिए, एक दान करा हम, और माँ गलती होगी एक टांग वाला खड़ी होकर माफी मांगी वो, और कोई सी बात ना, कोई बैरबर भाईचारा हमारा बैरबर तो कोई नहीं था। हाँ, न्यू था जब तक वह मतलब ना पनते ना ठनते, जब मारा बवाल हो रहा था कल वही थी सकोल में पंचायत, उस तय पूरे संतुष्ट हो गए, पूरे सारा कोई दिक्कत को ना जोड़ेगा ना, माफी मांग ली उन्हें, एक टाइम खड़े हो गए, अरे भाई 50 आदमी एक लो जागन कमेटी बनागन फैसला कर ले और सारा काम ठीक हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, नमस्कार।